हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इनसाइड। आज हम इस वीडियो में लौंग के पौधे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब कभी हम लौंग के पौधे को नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो उसे हम अपने घरों में किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए और कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लौंग के पौधे को हमें कब लगाना चाहिए। लौंग के पौधे को हम मानसून के वक्त लगा सकते हैं, इसे हमें जून या जुलाई के महीने में लगाना चाहिए। जब हम पौधे को लगाएं तब हमें पहले साल में पौधे को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। इसे हमें तेज़ धूप और तेज़ हवा से बचा करके रखना होता है, नहीं तो पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। लौंग का पौधा जब 6 ईयर्स का हो जाता है तब इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। लौंग का पौधा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगने वाला पौधा है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब है ऐसा क्लाइमेट जहां अक्सर बारिश होती रहती हो। यह पौधा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है। चलिए अब हम इसकी सनलाइट की बात कर लेते हैं। लौंग के पौधे में डायरेक्ट बहुत तेज़ सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, जहां धूप छन कर आती हो वहां इस पौधे को रखें। लौंग का पौधा लगाने के लिए हम बेस्ट सॉइल तैयार करेंगे। इसमें हम गार्डन सॉइल लेंगे 40%, और इसमें हम 20% लेंगे लकड़ी की राख। लकड़ी जलाने से जो बचता है वही हम लेंगे, और इसमें 20% लेंगे हम लकड़ी का बुरादा। ये हमें कारपेंटर के यहाँ से आसानी से मिल जाती है। 10% हम लेंगे सैंड। 5% हम यहाँ चाय की पत्ती लेंगे। चाय बनाने के बाद जो हमारा चाय की पत्ती बच जाती है उसे हम धो करके सुखा लेंगे और इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। और अंडे का छिलका, इसका भी हमने यहाँ चूर बना करके ले लिया है। ये आप मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। और एलोवेरा हमें इसमें डालने के लिए चाहिए। एलोवेरा से मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे। इन सभी को मिलाने के बाद एक अच्छी मिट्टी हम तैयार करेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को आप मिला करके बनाएंगे तो एक अच्छी मिट्टी तैयार होगी, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और मिट्टी में सारे पोषक तत्व भी मिल जाएंगे जो हमारे पौधों के लिए चाहिए। और ये बहुत ही आसानी से हमें मिल जाते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे गमले में डालेंगे, और गमले में ड्रेनेज होल हम देख लेंगे। उसके बाद उसमें हम गमले के टूटे हुए टुकड़े डालेंगे, उसके ऊपर से मिट्टी डालेंगे। लकड़ी की राख हमारे पौधों को सभी पोषक तत्व देते हैं, इसीलिए लकड़ी की राख को मिलाना बहुत ज़रूरी है। ये फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। अब हम इसमें एलोवेरा को डाल देंगे, और एलोवेरा के अंदर के का जो हिस्सा होता है उसे हम डालेंगे ताकि किसी भी तरह का कीड़ों का अटैक हमारे पौधे पर नहीं हो, और इससे मिट्टी में फंगस भी नहीं लगते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिट्टी में मिला लेंगे। इस तरीके से जब हम मिट्टी तैयार करेंगे तो हमारी अच्छी मिट्टी तैयार होगी और पौधा भी हमारा अच्छे से ग्रो करेगा। इस पौधे को हमने नर्सरी से ख़रीद करके लाया था। और इसे अब हम बहुत ही अच्छे से निकालेंगे ताकि इसके रूट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए, और ऊपर की मिट्टी को हम हल्के हाथों से हटा देंगे। इसकी जो रूट है वो टूटने नहीं चाहिए। अब बीच
से हम मिट्टी को थोड़ा सा हटाएंगे और इसे बीच में हम लगा देंगे। रूट बॉल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। और इस तरह से हम अच्छे से मिट्टी में दबा देंगे ताकि मिट्टी में एयर नहीं जाए और इसका जो रूट है वो अच्छे से तैयार हो। पौधे को जब भी हम लगाते हैं तो उसे हम शाम के वक्त लगाएं ताकि उसे रात भर ठंडे में रहने का मौका मिले। और इसमें हम पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। इस तरीके से आप किसी भी पौधे को नर्सरी से ला करके लगाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और ऊपर से भी हम एलोवेरा डाल देंगे ताकि इस पौधे को अभी हमने नए गमले में शिफ्ट किया है तो किसी भी तरह के कीट का इस पर अटैक नहीं हो और मिट्टी में फंगस भी नहीं लगे। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।